उम्मीद की किरण कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मगर फिर भी वह निराशा से कई गुना बेहतर होती है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु पे हार्दिक स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये साल का आखिरी, एक तरह का आखिरी बॉल है या आखिरी गोचर है गुरु भगवान का, और ये हम वृश्चिक राशि के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वृश्चिक राशि का जो 31 दिसंबर 2023 को गुरु भगवान मार्गी हो रहे हैं, इसका क्या असर होगा। ये जो है असर जो है हम 1 मई 2024 तक का है, क्योंकि 1 मई 2024 से गुरु भगवान वृषभ राशि पे आ जाएंगे, उसकी अलग वीडियो रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है पूरे 12 राशियों पे। आज हम चर्चा वृश्चिक राशि से शुरू करके पूरे 12 राशियों पे शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं वृश्चिक राशि वालों को ये बता दूं कि वृश्चिक राशि का इस साल 2023 शुरू से ही काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। 17 जनवरी 2023 से जो है उनकी शनि की ढैया शुरू हुई थी, उसके बाद फरवरी में जो है वो शनि भगवान जो है अस्त हो गए थे, उसके बाद अप्रैल में गुरु भगवान जो है जो कि मेष राशि में थे वो राहु के संपर्क में आने से गुरु राहु का चंडाल दोष बना। साथ ही 4 सितंबर को गुरु वक्री हो गए, जिससे कि जो भी थोड़े बहुत फल जो गुरु देना चाहते थे वो नहीं दे पाए आपको। गुरु भगवान अब 31 दिसंबर को मार्गी हो रहे हैं, ये कहते हैं साल का आपको आखिरी गुड न्यूज़ हो सकता है। इस दौरान वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, जिनकी लगन वृश्चिक लगन है या वृश्चिक राशि है, 8 नंबर की राशि या नाम से वृश्चिक राशि वाले हैं, इनको ये साल जो है काफ़ी दिक्कतों से रहा है, क्योंकि गुरु भगवान छठे भाव पर अभी गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, और अभी जो है गुरु राहु का जो चांडाल दोष अभी 30 अक्टूबर को ही खत्म हुआ है, मगर गुरु मार्गी गुरु वक्री होने के कारण जो फल मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। तो ऐसे में गुरु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, हमारे 9 ग्रहों में सबसे विस्तार करने वाले प्लैनेट हैं, और गुरु भगवान आपके धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, पढ़ाई के कारक हैं, हर शुभ और मांगलिक कार्यों के स्वामी माने जाते हैं। ऐसे में गुरु भगवान अगर वक्री हो जाएंगे, क्योंकि 4 सितंबर को 118 दिन के लिए वक्री हो गए थे, और तब से अब तक जो है अभी भी जो है वृश्चिक राशियों वालों पर काफ़ी कष्ट का समय चल रहा है। तो ऐसे में इस मार्गी होना इनके लिए क्या फल देगा 2024, इनके लिए 31 दिसंबर का आखिरी दिन से ये वक्री हो रहा है, तो आपको 2024 में एक चीज कह सकते हैं, आपके सारे कार्य शुभ होंगे, क्योंकि मार्गी का मतलब है आपको मार्ग दिखाना। जब गुरु भगवान मार्ग दिखाएंगे सही, तो आपके सारे जो रुके हुए काम जो है अब मोशन में आने लगेंगे। तो गुरु वक्री होना आपके लिए काफ़ी कष्टदायी रहा है। अब हम एक डिस्कशन आपको ये भी बता दूं, छठा भाव 6th हाउस जहाँ ये ऋण रोग शत्रु का होता है, आपके डिसिप्लिन का होता है, आपकी डेडिकेशन का होता है, हेल्थ का होता है। इस समय जब गुरु भगवान जहाँ भी बैठते हैं वो उस चीज़ का विस्तार करते हैं। अगर आपके डिजीजेस थे तो वो बढ़ जाती हैं, आपके रोग थे तो रोग बढ़ जाएंगे, आपकी अगर आपको कर्जा है तो कर्जा बढ़ जाए, हर चीज़ का विस्तार करेंगे। अब जो है 31 दिसंबर 2023 से इसका क्या चेंज ये आएगा कि अब आपको हर चीज़ में जो है गुरु भगवान अब आपको शुभ लाभ दर्शन में आ जाएंगे और मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। गुरु भगवान की 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम, सप्तम और 9th। पंचम दृष्टि पंचम दृष्टि जो है वो आपके कैरियर भाव पर है, और कैरियर भाव पर इसका दृष्टि मार्गी होना आपके लिए क्या लाएगा, आपके जो काम कारोबार में नौकरी में उन्नति होगी, आपके जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा, और जो भी जो लोग व्यापार में हैं व्यापार में भी उनको नए ओपनिंग्स चैलेंजेस जो भी थे वो दूर होंगे और नए नए रास्ते दिखेंगे। सबसे पहले ये है कि जुपिटर की गुरु भगवान की जो एनर्जी है वो आपको एक्सपेंशन कराएगी, विस्तार कराएगी। तो ऐसे में बहुत लोग कहते थे कि हमारा पास इस समय कई लोगों को कर्जे चढ़ गए हैं। कर्जे जब चढ़ते हैं तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपके आपके जो इनकम जो है वो इनकम उस बराबर नहीं ग्रो हो रहा जितना कि आपके कर्जे हैं। ऐसे में क्या है कि गुरु भगवान की जो सप्तम दृष्टि जो है वो 12वें भाव पे है, 12वां भाव
आपके विदेश से संबंधित है, इस समय आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। विदेश से आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड, आपके कोई मेंटर्स या कोई भी आपको जो भी अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट देने के लिए 12वें भाव से आपको लाभ मिलेगा, जिससे कि आपका आपको ऋण चुकाने में या अपने डेली एक्सपेंसेस मीट करने में आपकी कठिनाई दूर होगी। इसके बाद जो नवम दृष्टि जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है दूसरे भाव धन भाव पे। इस समय अभी कई समय से आप धन संचय नहीं कर पाए, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे हैं, इसके कारण डेट बढ़े, कर्जे बढ़ गए और आपको कर्जे पे कर्जा लेना पड़ा। अब जो है समय धन संचय का है, क्योंकि अब गुरु भगवान की सीधी दृष्टि है। साथ ही जब गुरु भगवान वक्री थे तो शनि भी वक्री थे, जिसके कारण शनि का शश्यो पूरा आपको फलदायक नहीं हो पाया। ऐसे में अब जो है गुरु भगवान आपको धन संचय में एक बहुत मेजर रोल करेंगे, और वो क्या करेंगे कि आपको विदेशों से भी लाभ मिल सकते हैं। विदेशों से कोई, मैंने पहले बताया, कोई आपको कोई फ्रेंड या कोई भी आपका रिश्तेदार या कोई ऐसा नोन पर्सन जो है आपको कोई नया आइडिया, नया थॉट दे सकता है। इस समय आपके कैरियर में जो है बड़ा अच्छा उछाल आएगा। तो इस समय आपने एक ही चीज़ ध्यान रखना है, आप जो है नए साल पहले दिन से आपने संकल्प ले लीजिए कि आपने बिल्कुल एक डेडिकेटेड लाइफस्टाइल से जिए, आप अपना रूटीन बना लें और आपने डिसिप्लिन से काम करेंगे तो आप देखेंगे 1 मई से पहले पहले आप मेरे को 100% बताएंगे कि आपके 95% आपके जो भी डेट्स, अगर जिनके भी बहुत बड़े डेट्स रहे हैं करोड़ों के, वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनकम तो बढ़नी है। क्योंकि गुरु भगवान की दृष्टि जो है बहुत ही शुभ है। कहते हैं कि गुरु भगवान जहाँ बैठते हैं वो तो उस चीज़ का विस्तार करते हैं, उनकी दृष्टियाँ गंगा समान होती हैं, वो जो है वो अमृत समान होती है और वो आपको शुभ देती है। तो ये आपकी कैरियर पे फॉरेन की चीज़, फॉरेन रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जैसे फॉरेन से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन से इंटरनेट रिलेटेड काम, ये सारे आपके लिए शुभ रहेंगे। और साथ में दूसरे भाव धन भाव, आपका आपका व्यक्तित्व, आपकी कम्युनिकेशन, आपके ओवरऑल स्किल्स ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो जब ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स और बेहतर होंगे और आप कोई नया काम और नया आइडिया से काम करेंगे तो धन आना 100% आएगा ही आएगा। उससे आप अपने डेट्स पूरे करेंगे और आगे आने वाले समय में प्रॉपर्टी का भी, वाहन का भी और अन्य लग्जरीज के योग बने हुए हैं। तो ऐसे में आज मैंने उचित समझा कि वृश्चिक राशि वालों को गुरु मार्गी का क्या फल मिलना है वो मैंने बताया। कल हम एक दूसरी राशि पर डिस्कशन करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि वृश्चिक राशि वालों को इस जानकारी से पॉजिटिविटी आई होगी, क्योंकि छठा भाव नेगेटिविटी का भी होता है। छठे भाव में ये इस समय काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास कई हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा टाइम बड़ा ख़राब है, तो ऐसा बार बार बोल के वो अपना समय और ख़राब कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा वृश्चिक राशि वाले बी पॉजिटिव। अब जो है गुरु की मार्गी दृष्टि जो है आपको शुभ फल देगी, आपके धन रुके हुए काम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, धन का जब योग होगा तो आपके अपने आप आपके जो आइडियाज़ खुलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आप, ये एक जनरल रीडिंग है, आप स्पेसिफिक रीडिंग के लिए हमारे साथ 8010001346 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सारे वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लगन वाले और स्कॉर्पियो को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। 2024 उनके लिए एक गोल्डन पीरियड आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।